गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लेसन 8 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का नंबर 1 कंप्लीट। चलिए करते हैं स्टार्ट। राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू और एफ लिखना है। जो भी सेंटेंस सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो रॉन्ग है उसके आगे फॉल्स लिखना है। नंबर 1, द टॉर्टोइज लिव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम हुसैन सागर लेक। कछुए हुसैन सागर झील से बहुत दूर रहते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ट्रू है क्योंकि कछुए सच में हुसैन सागर झील से बहुत दूर रहते थे। उन लोग को 10 मंथ लग गए थे हुसैन सागर झील तक पहुँचने में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी। नंबर 2, द टॉर्टोइज फैमिली लिव्ड इन अ बिग हाउस। जो कछुआ परिवार था एक बड़े घर में रहता था। तो यह है रॉन्ग क्योंकि जो कछुआ फैमिली थी वो एक छोटे से घर में रहती थी। कछुआ फैमिली एक छोटे घर में रहती थी, एक बड़े घर में नहीं रहती थी। ओके चलिए कर इसमें लिखेंगे हमें नंबर 3, हुसैन सागर लेक इज इन दिल्ली। जो हुसैन सागर लेक थी झील थी वो दिल्ली में है। हुसैन सागर झील दिल्ली में है। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स क्योंकि हुसैन सागर झील दिल्ली में नहीं थी, हैदराबाद में थी। ओके नंबर 4, बेबी टॉर्टोइज पिक्ड अप बोथ द पिकनिक बास्केट्स। बेबी कछुआ दोनों बास्केट को उठा ले गया। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि जो बेबी कछुआ था वो एक बास्केट को ले गया था और चटनी का बास्केट वहीं पे छोड़ गया था। तो स्टूडेंट्स आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और टू फॉल्स को रीड करना है। ओके okay?